Acharya Pramod Krishnam joining us now on the phone. Acharya Pramod, what is your take on the opposition's response to this controversy? Now suddenly, once again, EVMs are in the spotlight. They don't want EVMs again? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईवीएम के ऊपर जितने सवाल उठाए गए वो सब सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुने, उन पर अपनी राय दी, उन पर फैसला दिया। फिर एक मोड़ आया जब इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ चुनौती दी पूरा वर्ल्ड वाइड के भाई आप अगर पॉसिबल है तो ईवीएम को हैक करके दिखाइए। वो सारी चीजें होने के बाद भी जो विपक्ष है, जिसमें खास तौर से कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के नेताओं ने फिर भी ईवीएम पर सवाल उठाए। फिर सुप्रीम कोर्ट गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया कि ईवीएम पर कोई सवाल उठाना ठीक नहीं है। अब इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में अगर ईवीएम सरकार के नियंत्रण में होती तो 400 सीट बीजेपी पाती। अब अगर ईवीएम गलत है तो जितनी भी सीटें आई हैं विपक्ष को, उसमें समाजवादी पार्टी को अपनी सीटें छोड़नी चाहिए, कांग्रेस को अपनी सीटें छोड़नी चाहिए, कर्नाटक की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, हिमाचल की सरकार को छोड़ना चाहिए, तेलंगाना को इस्तीफा देना चाहिए। ये बड़ा एक अजीब किस्म का माहौल देश की राजनीति में हो गया है कि भारत की व्यवस्थाओं की बुराई करना, आलोचना करना, अगर कोई विदेश में हमारे देश की किसी व्यवस्था के खिलाफ कोई सवाल उठाता तो उसका अपना मत होगा, मगर हमें अपने संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है। और अगर ईवीएम गलत है तो फिर तो सारी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर एक राय बनानी चाहिए कि भाई ये चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं हो सकता है कि ईवीएम अगर हम जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हम हार गए तो ईवीएम गलत है। अगर ये सरकार इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार बन गई होती तो अभी क्या विपक्ष इसी तरह की बात करता? जी बिल्कुल। मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगा कि आपको इलॉन मस्क के जो बयान है उसके ऊपर क्या कहना, आपने अगर थोड़ा भी वो पढ़ा है, एग्जामिन किया है, तो आपकी क्या राय है जो इलॉन मस्क जो कहते हैं? देखिए, मैंने इलॉन मस्क का बयान और उनका जो ट्वीट है वो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन बताया है लोगों ने, जो मुझे बताया है उन्होंने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है तो ये उनका निजी मत हो सकता है। भारत में राजनीति करने वालों को भारत की संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए। अगर कोई आदमी बाहर बैठ के हमारी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाता है या कोई सलाह देता है, सुझाव देता है, तो उसमें हमें भारत को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हमारी डेमोक्रेसी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारी डेमोक्रेसी में आवाज उठाने की आजादी है। हमारी डेमोक्रेसी में ये आजादी है कि विपक्ष के नेता रोज नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, रोज कोसते हैं, नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं उसकी आलोचना करते हैं। सवाल ईवीएम का है, अगर ईवीएम खराब है तो इलेक्शन कमीशन का पूरा प्रोसेस खराब हो गया ना। तो इलेक्शन कमीशन के आप ये कहिए कि हमें इलेक्शन प्रोसेस पर भरोसा नहीं है, तो अगर आप कहेंगे हमें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है तो आप तब कह सकते हैं जब पहले आपने जो इलेक्शन में भाग लिया उसको कंडेम करिएगा। आप जब इलेक्शन होता है तो आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, आप प्रचार करते हैं, जब रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आता है तो फिर आप ईवीएम के इस भूत को निकाल के इस ईवीएम के जिन्न को जिंदा कर देते हैं। तो ये दिस इज नॉट फेयर. This is not fair, says Acharya Pramod Krishnam. I thank him for joining us. He says that EVMs cannot be good when you win and bad when you lose. And he's also spoken about how in a democracy like India, people say all kinds of things. They say all kinds of things about the Prime Minister also. And on that line, we have Rahul Gandhi, who has also waded into the EVM debate. He says that there are concerns about transparency. And he says that the Election Commission lacks accountability. And the Congress leaders are echoing what Rahul Gandhi is saying. B.V. Srinivas has said that the Election Commission prioritizes the BJP's interests and that even developed nations want ballot papers now. And he has said this amid a lot else. I'd like to go across to Swati to hear the full extent of B.V. Srinivas and the Congress's thoughts. Over to you, Swati. Yes, well, Ankit, you know, the Bharatiya Janata Party is responding to the statement by Elon Musk saying that these are outdated Western systems. Do not try to impose it on others. Rajiv Chandrashekhar says perhaps what he's saying applies to US, not to the Indian electoral system. And based on the reactions that came in from the opposition after Lok Sabha elections, one would, you know, pretty much assume that it's a thumbs up from the opposition when they say it's a moral defeat for Modi and that people have taught a lesson to Modi, that they're giving a thumbs up to the electoral system. But the moment Elon Musk spoke about EVM, the opposition is back to the EVM bahana. Now, this is what Srinivas BV has posted. The Election Commission's primary constitutional duty is to ensure transparency in the electoral process and build trust in citizens' voting rights. Despite concerns about potential EVM manipulation in India, the ECI seems to prioritize the ruling party's interest. It's important to question why many developed nations opt for traditional ballot papers or EVMs if the latter genuinely secure and infallible. Now, absolutely. He was... Yes. And Swati, do hold on. Now that you've read that tweet, we have Pramod Tiwari of the Congress Party with us. Pramod Tiwari, why have you suddenly latched on once again to the EVM issue? Just because Elon Musk has raised it, is that the reason why? देखिए, एक सीधी सी बात है, एलन मस्क मोदी जी के दोस्त हैं, कहते हैं ऐसा मोदी जी, एलन मस्क कहे ना कहे, आने भी वाले थे चुनाव के पहले, और चुनाव के पहले उनसे कुछ साइन वाइन भी होना था, फिर वो रुक गए, तो कुछ तो उनका इनपुट रहा होगा कि मोदी जी सेफ नहीं है। फिर एक बात इसमें बहुत रेलेवेंट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, कि जो कंट्री ज्यादा एडवांस है, ज्यादा डेवलप्ड है, उन्होंने अपने इलेक्शन प्रोसेस से क्यों हटा दिया है ईवीएम को, वो फिर क्यों बैलेट पेपर पे लौट गए हैं। तो ये बात है, और इस पे चर्चा तो हमेशा से होती रही है कि ईवीएम मैनेज हो सकती है। तो बिना कोई कमेंट किए हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ईवीएम मैनेज की जा सकती है। Sir, आपने काफी चीज कहे. You said first of all that Elon Musk didn't come to India because he must have known Modi is not safe. We'll park that aside. वो तो pure conjecture है. But ballot भी manage हो सकता है ना. हमने कितना देखा है, पिछले साल भी देखा था वेस्ट बंगाल में जो पंचायत इलेक्शन हो रहे थे, उधर मास वायलेंस चल रहा था, वो भी तो मैनेज हो सकता है ना. मैं समझता हूँ कि अब नहीं हो सकता बैलेट मैनेज, क्योंकि पहले लोकल पुलिस कराती थी, उसके पास इतना फोर्स नहीं होता था, और इलेक्शन एक आप याद कीजिए मैक्सिमम 3 राउंड में होते थे, अब इलेक्शन 6 राउंड 7 राउंड में हो रहे हैं। पूरी सेंट्रल फोर्सेज अब हिंदुस्तान के पास बहुत बढ़ गई हैं, हर पोलिंग पे सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, तो अगर कहीं गड़बड़ी हो और उसकी रिपोर्ट हो जाए, पंचायत चुनाव का तो लोकल मैं आपसे एडमिट करता हूँ कि हाँ पंचायत चुनाव एक दिन में पूरे प्रदेश में या 2 दिन में होते हैं, तो वो और सेंट्रल फोर्सेस उसमें नहीं होती, उसमें हो सकता है, पर विधानसभा और लोकसभा का मुझे लगता है कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर बूथ कैप्चरिंग होगी, लोगों ने फोर्सिबली किया होगा, तो उसमें करना क्या है, मान लीजिए उन्होंने कर लिया एक रिपोर्ट अकेले चली गई। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, बट ये हम थोड़े ज्यादा ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कहा जाता है कि अगर एक कलम को भी आप इन्फिनिट टाइम दे दो तो वो एक नॉवेल लिख देगा, तो ऐसे आइसोलेटेड सिचुएशन में अगर ईवीएम या बैलेट हो तो पक्का मैनेज हो सकता है, बट हम ऐसे सिचुएशन में डील करते हैं ना। मैं नहीं एग्री करता इस बात से। दोनों को अगर परसेंटेज देखें तो उसमें अगर मैनेज होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो बैलेट पेपर में सिर्फ बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और बूथ कैप्चरिंग दिखती है, कम से कम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, यू विल एग्री विद मी, अब इसको अगर इस तरह विजुअलाइज करें कि क्या बूथ कैप्चरिंग बिना इलेक्शन प्रेसाइडिंग ऑफिसर के नॉलेज के हो सकती है, तो कम से कम प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो चाहे कर सकता है, पर अगर बूथ इसमें ईवीएम में गड़बड़ी तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर को मालूम हुई, कोई जरूरी नहीं है। एक लंबी चर्चा का विषय है, ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इस पे इधर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, उधर भी कहा जा सकता है, मेरा जो व्यू था मैंने आपके सामने रख दिया। जी, एंड थैंक यू फॉर दैट, धन्यवाद आपको प्रमोद तिवारी जी। वी also have a response coming in from the UBT Sena. Let's listen in to Anand Dubey. एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसको लोग बहुत गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं, और अगर हम लोग यह बात कह रहे हैं कि मशीन से छेड़छाड़ हो सकती है, ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है, उसे हैक किया जा सकता है, तो इसको कोई नहीं मान रहा। वैज्ञानिक भी जानते हैं कि यंत्र तंत्र से बनी हुई चीजों को आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। वही एलन मस्क भी कह रहे हैं, वही विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं, वही भारत की जनता भी कह रही है। अब इसको मानना न मानना एक चुनाव आयोग का काम है, राज्य सरकार में बैठे और केंद्र सरकार में बैठे लोगों को मानने का अधिकार है, हम क्या कहें।